खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी है देसी मैन वर्सेस वाइल्ड की। हट 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 जहां देर रात आवारा गाय सांड बैल से अपने ही खेत में अपनी फसल की रक्षा के लिए किसानों को लाठी हट किसान लाठी को हथियार बनाकर रखवाली करते हैं। हट हट 15-20 ढूंढ रहते थे हम चरते उनको हाँ को तो रपटा लेते 15-20 सांडों का झुंड। हाँ। लेकिन किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में गो संकट में फंसे किसान का मुद्दा नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आवारा पशु हैं, अरहर की खेत है उसकी फसल है और यहाँ पर अब आप देखिए जैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे डर से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, हम खेतों के बीच में मौजूद हैं और आप देखिए इन्हें कि किस तरीके से जो फसल है उसको खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दिन दहाड़े आवारा गाय बैल सांड आते हैं, किसान की फसल चट कर जाते हैं, इस नुकसान का मुआवजा तक किसान को कभी नहीं मिलता। लेकिन हर बार गाय को घोषणा पत्र में रखने वाली बीजेपी के ताजा घोषणा पत्र से गाय भी गायब है। हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर खेत में कटीले तार लगाकर रात के अंधेरे में ड्यूटी चार्ट बनाकर घर वाले छुट्टा घूमने वाले गोवंश से फसल बचाने को एक एक करके पहरेदारी करते हैं। रात में अब हम देख रहे हैं कि अब रखवाली के लिए आए हुए हैं, बाद में हमारी मम्मी आती हैं दिन में। लेकिन मध्य प्रदेश में गाय गाय करने वाली कांग्रेस के लिए देश के चुनाव में गाय और गाय से परेशान किसान का मुद्दा गायब हो गया। तो सीधा सवाल जिनका जवाब जानना जरूरी है, क्या गाय में अब वोट का दूध नहीं दिखा तो घोषणा पत्रों से गाय गायब हो गई? गाय आवारा गोवंश बन किसान को परेशान करने लगी तो नेताओं ने गाय के सियासी खूंटे से रस्सी छुड़ा ली? गो रक्षा अगर नेताओं का मुद्दा रहा तो आवारा गोवंश से परेशान किसान मुद्दा क्यों नहीं? छुट्टा गोवंश से बचाने के लिए सरकारों के दावे क्या जमीन पर उतर पाते हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने उत्तर प्रदेश के 3 शहरों से पड़ताल करके बड़ी रिपोर्ट बनाई है। गो संकट में फंसे किसान पर आवारा सियासी सोच की घंटी बजाओ। गाय जब तक दूध देती है गाय माता होती है, दूध खत्म होता है तो गाय को छुट्टा छोड़ दिया जाता है। इसी तरह क्या गौ रक्षा के मुद्दे पर वोट का दूध देने की ताकत नहीं दिखी तो गाय को राजनीतिक दलों ने भुला दिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसानों की फसल बर्बाद होने की एक वजह ऐसी है जिसमें 1 रुपए तक का मुआवजा नहीं मिलता। यह वजह है आवारा गाय बैल और सांड के कारण खेतों में फसल का बर्बाद होना। उत्तर भारत के 6 राज्यों के किसान इस कारण परेशान रहे हैं, लेकिन गाय गाय करने वाले एक राजनीतिक दल को इस मुद्दे पर किसानों की चिंता नहीं हुई। मैं रास्ते में देख रही थी, खंभे गड़े हुए हैं और तार लगे हुए हैं खेतों के, जानवरों से बचाने के लिए बहुत परेशानी है। सरकार खर्चा बहुत होता है, हम लोग मर रहा हूँ उसमें। हम लोगों को 2 चौकीदारी दी गई, रात में हम रखाते हैं हमारा बेटा खेत और दिन में हमारी बहू बेटियाँ देखती हैं सारे। अयोध्या में आवारा गाय बैल सांड बछड़ों से परेशान किसानों के मुद्दे को ट्वीट करते हुए फिर प्रियंका गांधी ने लिखा था, सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रियंका इस मुद्दे को मंच से जनता के सामने उठाती हैं। मैंने वहाँ देखा खंभे लगे हुए हैं और तार लगे हुए हैं हर खेत पे। मैंने पूछा किस लिए लगाए हैं, कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते, दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए
और रात को हमें जाना पड़ता है। सरकार व्यस्त है, टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है। क्या वाकई किसानों के लिए आवारा छुट्टा घूमते गाय बैल सांड बड़ी मुश्किल बन चुके हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह पड़ताल करने निकल पड़े। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर बाराबंकी के गांवों में पहुंचे। रात के अंधेरे में किसान मनीष तिवारी के साथ आदर्श सिंह जिस खेत में पहुंचे हैं, वहां गेहूं की फसल को एक दिन पहले ही छुट्टा सांडों की फौज ने बर्बाद किया है। ये जो आप गेहूं की डंठियां देख रहे हैं, ये कुछ ही बची हुई हैं, बाकी ये पूरा जो 4 बीघे का खेत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इसके जो किसान हैं वो अब यूं कहें कि सड़कों पर आ गए हैं। खेती ही एकमात्र साधन होता है इनके जीवन यापन का, और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है आप देख सकते हैं कि खेत की जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। 1-2 डंठल जो गेहूँ के हैं वो बचे हुए हैं, और ऐसे में ये किसी भी काम का नहीं है। 1 बीघा खेत में 5 क्विंटल गेहूँ निकलता है। 4 बीघे खेत को छुट्टा सांड नुकसान पहुंचा गए तो 20 क्विंटल गेहूं देने लायक फसल बर्बाद हुई। 1 क्विंटल गेहूं से 1700 रुपए मिलते, इसलिए कुल 34,000 रुपए की फसल बर्बाद होने से नुकसान किसान मनीष तिवारी को उठाना पड़ा है। 15-20 यून रहते थे, चरते उनको हाको तो रपटा लेते। 15-20 सांडों का जो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, वही पर है बाहरी सड़क पे आगे खाने के भी नहीं ठिकाना है। रात के अंधेरे में कुछ इस तरह छुट्टा गोवंश किसान की फसल बर्बाद करते हैं, इसीलिए बुजुर्ग किसान संकटा प्रसाद शुक्ल अपने साथी के संग छुट्टा जानवरों से अपने खेत की रखवाली रात भर करते रहेंगे। दिन में अगर बचाओ तो जस शाम हुई तैसे शाम पहुंच गए। शाम का यहाँ अगर आप 200 मिनट खातिर यहाँ से पहुँचो गोल भयो तैसे वो फिर झुंडक झुंड आएगी। रात भर बचाओ तो सवेरे 5 बजे भी आ जाते हैं, 5 बजे नुकसान करते हैं। हाँ, इस तरह से ने बचाओ बचाओ आदमी बीमार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में करीब 23,71,000 गाय ऐसी हैं जो दूध नहीं देती और मालिक ने उन्हें आवारा छोड़ दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में 8,10,000 गाय ऐसी हैं जिनका कोई मालिक नहीं, यानी करीब 31,18,000 गाय ही उत्तर प्रदेश में छुट्टा घूम रही हैं। किसी भी गाय और सांड को रखने के लिए कम से कम 300 वर्ग फीट की जगह चाहिए होती है, यानी 31,18,000 छुट्टा गायों के लिए 9,55,00,000 वर्ग फीट की जगह चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश में सिर्फ छुट्टा घूमती गायों के लिए ही 16,595 फुटबॉल मैदान जितनी जगह जरूरी होगी। अगर उत्तर प्रदेश में छुट्टा घूमते 1,20,000 सांडों को भी आश्रय की जगह सरकार देती है तो आवारा गोवंश को संभालने के लिए ही यूपी सरकार को 17,223 फुटबॉल मैदान जितनी जगह चाहिए होगी। तो क्या अब तक गोरक्षा करने वाली सरकारों को आवारा गोवंश से किसान की रक्षा की सुध है? ये आगे बताएंगे। पहले देखिए कैसे रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर शिफ्ट लगाकर किसान अपने अपने खेतों की रक्षा करते हैं। गौवंश से अपनी फसलों को बचाने के लिए जो किसान हैं, उन्होंने अपने खेतों के ठीक सामने चारों तरफ बाड़ लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वो कटीली तार है और इसी के जरिए ये जो गौवंश हैं उनसे बचाने की कोशिश करते हैं अपनी फसलों को। यहाँ पर तमाम किसान भी हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खाली फसलें होती हैं उसको भी रखा गया है, ताकि इस तरीके से जो गौवंश हैं उनकी नज़रें इसके अंदर जो फसल है उस पर ना पड़े। हमारे भी लगाए और टान भी रखा हुआ है, हम जो है 3 महीने से आते हैं यहाँ पे। तो रखवाली कैसे करते हैं आप लोग? आप रात में, अब हम देख रहे हैं कि आप रखवाली के लिए आए होते हैं, बाद में हमारी मम्मी आती हैं दिन में। किसान ने खेत में ही मचान बना रखा है ताकि रात भर इसी मचान पर रहकर फसल की रक्षा आवारा घूमने वाले गाय सांड और बैल से करें। सबसे बड़ी बात कि धान की फसल में जब यहाँ पानी भरा होता है तो वो आते हैं टार्च लेकर के, और इस मचान पे सांप और कीड़े भी आ जाते हैं। हमारे गांव पिछले साल धान की फसल बचाने में एक आदमी के सांप भी काट लिया। किसान पूरी रात इस तरीके के मचान पर बैठकर अपनी रात गुजारता है,
फसलों की रखवाली करता है तो उसकी स्थिति दिन में क्या होती होगी। यूं तो उत्तर प्रदेश के बजट में सरकार ने देश में सबसे ज्यादा गोवंश के लिए 632 करोड़ का बजट बनाया, शराब पर गोसेस लगाकर गायों की रक्षा का रास्ता निकाला, लेकिन कैसे आवारा गाय बैल सांड से शहर में जनता और गांव में किसानों को बचाया जाएगा, ये सवाल आदर्श सिंह ने यूपी गोसेवा आयोग के सचिव आनंद सोलंकी से पूछा। कि जनपदों में जमीन का चिन्हांकन करके और सरकारी सहायता से वहां पे गोवंश संरक्षण केंद्र या वृद्ध गोवंश संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाए, गायों के गोमूत्र का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, गोबर का क्या प्रयोग कर सकते हैं, नर पशु को किस प्रकार वापस खेती के लिए किसान को प्रयोग में ला सकते हैं, तो ऐसी स्कीम करके इस समस्या के समाधान का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। जो आश्रय गृह आवारा गोवंश के लिए सरकार चला रही है उसकी भी हालत देखिए। बाराबंकी में छुट्टा घूमने वाले सांड गाय बैल के कानों पर बार कोड वाला टैग लगा दिया गया है। भूसा पानी इस अस्थायी आश्रय गृह पर मिल रहा है, लेकिन गोरक्षा के नाम पर हरी भरी होने वाली सियासत यहाँ पर आवारा गोवंशों को हरा चारा नहीं खिला पाती। खाने के अलावा चारे की कोई व्यवस्था है, हरे चारे की कोई व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था नहीं, चारा हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं। बाराबंकी के डीएम उदय भानु त्रिपाठी ने बताया कि 26 अस्थायी गो आश्रय स्थल बनने थे, लेकिन अब तक 8 ही बन पाए हैं। सरकारें छुट्टा जानवरों से रक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं, इसीलिए आवारा गोवंश से लोग परेशान हैं। लेकिन जो मुद्दा देश में चुनावी मुद्दा बनना चाहिए था वो नेताओं को नहीं दिखा। ये पहला मौका है जब बीजेपी के घोषणा पत्र में गाय का जिक्र नहीं है। इससे पहले 1984 से लेकर 2014 तक बीजेपी ने अपने 9 चुनावी घोषणा पत्रों में हर बार गौरक्षा और गौ संवर्धन का जिक्र किया था। बीजेपी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक जगह गाय लिखा हुआ है, बीजेपी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक जगह पर गौशाला लिखा है। गाय शब्द का एक बार जिक्र करते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा गया कि कामधेनु आयोग बनाया, गौशाला एक बार लिखते हुए कहा गया जैविक खेती को प्रोत्साहन देंगे, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में आवारा गोवंश को संरक्षित कर परेशान किसान को बचाने की कोई नीति नहीं है। देश में गायों की रक्षा बेहद जरूरी है। यूपी में गौरक्षा के सख्त कानून और गौरक्षकों के भेस में गुंडों के डर से गौवंश की वैध रूप से बिक्री पर भी भारी असर पड़ा। इसीलिए दावा है कि छुट्टा जानवरों की फौज खेतों सड़कों पर बढ़ती गई। तो सवाल यहां यह है कि जब गाय को कोई चोट पहुंचाए तो कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है, लेकिन छुट्टा गौवंश से पीड़ित किसान को बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए कोई नीति, कोई कानून, कोई एक्ट सरकारें क्यों नहीं बनाती? ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में गोंडा के अस्थायी गो आश्रय केंद्र की हैं, जहां सरकारी आदेश के बाद आवारा छुट्टा गोवंश को लाकर रखा गया। दावा है कि भूख के कारण कई गोवंश की मौत हुई, हालांकि प्रशासन इसे नहीं मानता। जहां तक किसी जानवर के मृत्यु होने की बात है, ऐसी कोई अभी तक जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची है, कोई जानकारी प्राप्त होती है उसकी जाँच करवाई जाएगी। सवाल है कि लोग गोवंश को संभाल कर क्यों नहीं रखते। दरअसल एक गाय औसत 20 साल जीवित रहती है, 3 साल से 10 साल की गाय जीवन में 4 बार गर्भवती होती है। गाय बछड़ा बछिया होने पर ही एक तय वक्त तक दूध देती है, यानी औसत 10 वर्ष के बाद एक गाय दूध नहीं देती। एक गाय को पालने का एक दिन का खर्च औसत 60 रुपए आता है, यानी एक गाय का एक महीने का खर्च औसत 1800 रुपए। जब गाय दूध नहीं देती तो गरीब ग्रामीण अपनी गाय का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते। बैल से अब खेती नहीं होती, गोबर की खाद का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ऐसे में दूध ना देने वाली गाय बछड़ा बैल सांड को पालना गरीब ग्रामीण के वश में नहीं, वो छुट्टा छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें अब संभालने के लिए सरकार गो आश्रय केंद्र बनवा रही है। रायबरेली में भी बना, लेकिन यहाँ क्षमता से कहीं ज्यादा गोवंश को लाकर प्रशासन को रखना पड़ा है। 472 जानवर कुल है, 472 जानवर हैं, और क्षमता कितनी है? क्षमता 200 150 ऐसे है इसकी, 150 से 200 जानवरों की क्षमता है।
रायबरेली की डीएम नेहा शर्मा ने हमें बताया कि गोवंश को रखने के लिए 20 सेंटर बनने हैं, 3 ही अब तक बन पाए। इसीलिए अब भी हजारों छुट्टा गोवंश दिन दहाड़े किसान की फसल पर डाका डालते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आवारा पशु हैं, अरहर की खेत है, उसकी फसल है। और यहाँ पर अब आप देखिए जैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे डर से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। हम खेतों के बीच में मौजूद हैं और आप देखिए इन्हें कि किस तरीके से जो फसल है उसको खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और ठीक उसी तरीके से लोगों के डर से ये पशु भी जो आवारा हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर किसान समृद्ध है तो हजारों रुपए खर्च करके खेत में तारबंदी कराता है, अगर गरीब है तो यूं बांस लगाकर खेत का बचाव करता है। काम धाम छोड़कर रखवाली की मजबूरी है। गेहूं की फसल सब पशु चल लेते हैं, रात की आदमी रखाते हैं और दिन में हम लोग रखाते हैं। दिन में आप सब रखा हुआ दिन तो फसल बच पावा थे ना? बच का पाए, कितना खाने पीने के लिए घर चले जाने उतने टाइम में चल लेते हैं। कितना नुकसान भा है आपके फसल के? एक खेत में जहाँ 8 बोरी होता है वहाँ 1 बोरी भी नहीं होता। लेकिन आवारा गोवंश के मुद्दे पर वोट मांगने वाली प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस को भी किसानों की चिंता नहीं है। तभी तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुर्गा मछली पालन का जिक्र तो है लेकिन गाय के नाम पर एक शब्द नहीं लिखा है। जबकि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने गौशाला और गौ संवर्धन के मुद्दे पर वादे किए थे। यानी नेताओं के लिए गाय तभी तक मुद्दा होती है जब तक उससे वोट मिलने की गारंटी हो। गोवंश जब आवारा होकर आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा, सियासत ने गाय को भी बाय बाय कर दिया। आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में गोरक्षा के लिए एक जरूरी गोनीति बननी चाहिए जिसमें जवाबदेही के साथ गोवंश की रक्षा और पालन की व्यवस्था हो, ताकि गांवों में किसान और शहरों में आम इंसान छुट्टा घूमते गाय बैल सांड और बछड़े के कारण नुकसान न सहे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।